किसानों ने मनाया विश्व घात दिवस। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन चायल एसडीएम राजेश श्रीवास्तव को सौंपा। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए चायल तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। वहीं किसानों ने विश्व घात दिवस मनाते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। कौसाबी में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिला कुमार पांडे की अगुवाई में किसानों ने चायल तहसील में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि सरकार के 9 दिसंबर 2021 के जिस पत्र के आधार पर आंदोलन स्थगित किया गया था, उनमें से कोई भी एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। इसके चलते तहसील स्तर पर शेष प्रदर्शन किया गया है। सरकार ने किसानों के साथ धोखा दिया है। किसानों का 15 जनवरी के फैसले के बाद भी भारत सरकार ने 9 दिसंबर के अपने पत्र में किया कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसमें मांग की गई थी कि आंदोलन के दौरान हुए दर्ज किए गए मामलों को तत्काल वापस लिया जाए और शहीद परिवारों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन अब तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। वही एसएसपी के मुद्दे पर भी सरकार ने कमेटी के गठन की कोई घोषणा नहीं की है।